Good morning Grovians how are you I hope you all are doing great and enjoying the festivals Okay students in last Google Meet we have discussed about the chapter Oliver Twist and we have discussed about the underprivileged children So today we are going to read the chapter so listen to me very carefully if you want to read the chapter if you want to understand the chapter okay

यहाँ पर एक मीटिंग हो रही है सेज मीन्स जो वाइज पीपल होते हैं बड़े बुद्धिमान जिनको की काफ़ी नॉलेज होती है फिलोसफिकल मीन्स की हाई थिंकिंग वाले ठीक है कि उनके जो विचार होते हैं उनकी जो थिंकिंग होती है वो सबसे अलग होती है तो वहाँ पे बोर्ड ऑफ मेंबर्स की मीटिंग चल रही है रिटर्न देयर अटेंशन टू द वर्क हाउस अब वर्क हाउस क्या होता है बेटा वर्क हाउस मीन्स कि जहाँ पर बच्चे रहते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं होते है. ऑर्फनेज भी होता है ठीक है ऑर्फन ऑर्फन कौन होते हैं बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते और ऑर्फनेज जहाँ पर वो रहते हैं ठीक है वहाँ पे उनको सब कुछ फ्री प्रोवाइड होता है फूड लिविंग ओके एवरीथिंग दे गेट फ्री बट इन वर्क हाउस दे हैव टू वर्क कि उनको कुछ काम करना पड़ता है जिसके बदले में उनको सारी चीज़ें फ्री में मिलती हैं एंड फाउंड आउट एडवांस डेट द पुअर पीपल लाइक इट और उन्होंने सोचा कि चलो एक मीटिंग करते हैं कि लोगों को ये चीज़ पसंद भी आएगी और इससे हमारा वर्क हाउस जो है वो अच्छे से रन करेगा यानी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो लोग एक मीटिंग कर रहे थे लेकिन वो लोग ऐसा नहीं है कि उनके बेनिफिट के लिए ही वो चीज़ कर रहे थे कि उनके फायदे के लिए कि बच्चे अच्छे से रहे नहीं वो इसलिए मीटिंग कर रहे थे कि किस तरह से सेविंग्स की जाए ओहो वी मस्ट बी द फेलोज टू सेट इट राइट कि हमें ही अब एवरी थिंग वी हैव टू बी डन गुड अब हमें हर चीज़ अच्छे से करनी है विल स्टॉप इट ऑल इन नो टाइम कि अब हम जैसे पहले चलता आ रहा था ऐसे नेक्स्ट टाइम के लिए हम नहीं कर सकते वी हैव टू मेक चेंजेस टू रन द वर्क हाउस इट वॉज वेयर देर वॉज नथिंग टू पे वट इज़ द मीनिंग ऑफ टेवरेंट पब्लिक हाउस पब्लिक हाउस की कोई भी आ सकता है वहाँ पर जो कि नीडी है और वहाँ रह सकता है इट वॉज अ टेवरेंट वेयर देयर वॉज नथिंग टू पे अ पब्लिक ब्रेकफास्ट डिनर टी एंड सफर ऑल द इयर राउंड अ ब्रिक एंड मोटर एलाइजियम वेयर इट वॉज ऑल प्ले अ नो वर्क कि अभी ये ऐसा पब्लिक हाउस बन गया है कि अब तक था मीटिंग अभी वो ले रहे हैं ना उसको इम्प्रूव करने के लिए कि किस तरह से मतलब पहले तो जो बच्चे थे गरीब बच्चे थे उनको फ्री में सब कुछ प्रोवाइड हो रहा था ब्रेकफास्ट डिनर टी सपर क्या होता है रात के खाने को भी बोलते हैं सपर तो सारा साल वो फ्री में ही सब कुछ उनको मिलता था कि ये एक मोटा क्या होता है मड कि एक मिट्टी से ईंटों से बना हुआ ये एक पब्लिक हाउस है और यहां पर क्या बच्चे खेलते हैं और कोई काम नहीं करते सिर्फ वो खेलते हैं और सारा दिन फैसिलिटीज लेते हैं और कुछ काम नहीं करते हैं ये यह देखो यहाँ पे एक द न्यू पुअर लॉ एक्ट है सो दे इस्टेब्लिश्ड द रूल दैट ऑल पुअर पीपल शुड हैव द दल्टरनेटिव ऑफ बींग अ ग्रेजुअल प्रोसेस इन द हाउस और अ क्विक वन आउट ऑफ इट अब उन्होंने एक रूल इस्टेब्लिश किया एक रूल बनाया जिसके लिए अब उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव्स रख दिए हैं कि उनको मतलब ये है कि वो भूखे भी ना रहें काम भी करें कुछ इस तरह से अब उन्होंने हर चीज़ मैनेज कर दी है कि धीरे धीरे वो बच्चों पे हम इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे विद दिस व्यू द इशो थ्री मील्स ऑफ थिन अ डे विद एन अनियन टू a अ वीक एंड हाफ अ रोल ऑन सन डेज ओ माई गॉड अब देखो वो कितने मतलब क्रूअल हैं वैसे तो वो सेज परसन हैं वाइज पर्सनस हैं फिलोसफिकल हैं बट दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द चिल्ड्रन अब ठीक है वो काम भी करवा रहे हैं एटलीस्ट उसके बदले में इन रिटर्न दे केन प्रोवाइड गुड फोर टू द चिल्ड्रन बट नो वो क्या कर रहे हैं वो बच्चों से काम भी करवाएंगे और उसके बदले में क्या होगा कि वो थ्री मील्स थिन ग्रुएल हमने फ़र्स्ट चैप्टर में भी ग्रुएल का मीनिंग पढ़ा था दलिया जिसको बोलते हैं ठीक है तो वो तीनों टाइम उनको वो दलिया देंगे विद एन अनियन ट्वाइस अ वीक एक रॉ अनियन देंगे कच्चा प्याज जिसको बोलते हैं ठीक है और उनको सिर्फ वीक में टू टाइम्स ही अनियन मिलेगा एंड हाफ़ रोल ऑन संडेज और एक हाफ़ रोल उनको सिर्फ संडेज को ही मिलेगा हाफ रोल मीन चपाती का रोल हो सकता है वो ठीक है तो तीनों टाइम पूरा वीक के लिए दलिया खाना ये तो बहुत ज़्यादा वो बच्चों के लिए बच्चों के लिए मतलब गलत डिसीजनस ले रहे थे द बोर्ड हैड कम टू अ डिसीजन रिगार्डिंग ओलीवर द वेरी डे ही हैड अराइव्ड दैट वुड एक्सरसाइज द मोस्ट मटीरियल इन्फ्लुएंस ओवर ऑल हिज फ्यूचर फॉर्चून्स तो जो ये बोर्ड का डिसीजन था ओलीवर के लिए वो जब ओलीवर ने फर्स्ट डे एंटर किया था ये देखो ओलिवर uh, जो है वो वर्क हाउस में एंटर कर रहा है क्योंकि वो ऑरफन था उसके मदर फादर दोनों ही नहीं थे सो ही इज़ अ ऑरफन तो वो वर्क हाउस में जा रहा है उसको लेके जा रहे हैं तो फर्स्ट डे से ही जब उसने एंटर किया तो उसके डिसीज़न का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो है बोर्ड मेम्बर्स का वो ओलिवर पर पड़ा ठीक है कि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस उस डिसीज़न का उसकी लाइफ में आया कि उसकी जो लाइफ है वही चेंज हो गई

तो जो ओलिवर था उसने उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि जहाँ वो इतने मज़े से सो रहा है उसको पता नहीं था कि कल का दिन उसके लिए क्या लाने वाला है और उसके आसपास क्या हो रहा है कि कितने क्रूअल हैं ये लोग कि बच्चों को अच्छे से खाना भी नहीं मिलता है उनसे काम लिया जाता है टॉर्चर किया जाता है उनको तो वो एक बड़ी सेटिस्फेक्शन की नींद ले रहा है क्योंकि उसको पता ही नहीं कि वर्क हाउस में क्या होने वाला है नाउ दिस इज़ वर्क हाउस हॉल

कि जहाँ पे उनको खाना खिलाया जाता है वर्क हाउस का जो हॉल है वो किस तरह का है किस तरह का नजर आता है वो हॉल इट वॉज अ लार्ज स्टोन हॉल ये एक स्टोन हॉल था पत्थर का बना हुआ विद अ कॉपर एट वन एंड आउट ऑफ विच द मास्टर ड्रेस्ट इन द एन फॉर द पर्पज एंड असिस्टेड बाय वन और टू एट द मील टाइम्स लेडल्ट क्या होता है लेडल हम उसको बोलते हैं ना कड़छी को जिससे हम सब्जी वगैरह डालते हैं आपके किचन में होगी लेडल ठीक है तो ये हॉल को डिस्क्राइब किया गया है कि किस तरह से वो हॉल दिखता था कि वो एक एंड पे कॉपर कलर का था जहाँ पे वो मास्टर खड़ा हुआ था हु इज़ द मास्टर दिस इज द मास्टर वो ड्रेस्ड इन एंड एप्रेंट जिसने अपरिंट डाला हुआ है और वो वन और टू वीमेन के द्वारा असिस्ट किया जा रहा है लुक एट हेयर वन वुमेन इज स्टैंडिंग तो वो सब बच्चों को दलिया सर्व कर रहे हैं ईच बॉय हैड वन पोरेंजर एंड नो मोर एक्सेप्ट ऑन ओकेजन्स ऑफ ग्रेट पब्लिक रिजॉयसिंग वेन ही हैड टू ऑन्सेज एंड अ क्वार्टर ऑफ ब्रेड बिसाइड्स ठीक है तो सबको पोरेंजर क्या होता है ये देखो उनके पास एक बाउल है दे हैड अ बाउल उसके साइड में हैंडल भी लगे हुए हैं तो सबके पास ये है सबको ये मिला हुआ है और उनको अगर वो किसी भी ओकेजन पे किसी को ज़्यादा भूख लगी है या कुछ भी ऐसी सिचुएशन है तो वो किसी को भी और ज़्यादा ऑफर नहीं करते हैं ठीक है ना तो वो थोड़ा मतलब व्हेन ही हैड टू आउंसेज एंड क्वार्टर ऑफ ब्रेड पहले तो उनको काफ़ी अच्छा मिलता था लेकिन जब से बोर्ड मेम्बर्स की मीटिंग हुई थी तब से उनको वो चीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही थी सिर्फ उनको तीनों टाइम दलिया ही खाने को मिल रहा था बॉयज़ हैव जनरली एक्सीलेंट एपीटाइट्स अब बॉयज़ जो हैंपीटाइट्स क्या होता है कि उनको भूख ज़्यादा लगती है उनकी डाइट ज़्यादा होती है बॉयज़ की एज़ कम्पेयर टू गर्ल्स लेकिन कहीं तो गर्ल्स भी बहुत ज़्यादा खाती हैं तो उनकी जो डाइट है वो बॉयज़ बौ, की वो ज़्यादा होती है उनको भूख भी ज़्यादा लगती है मे बी किसी ने वन टाइम ग्रोवल जो है वो लिया है तो उसको और ज़्यादा भूख लग रही हो ठीक है ना ऐसा तो नहीं है कि सबकी सिमिलर डाइट होती है कि सबको जितना वन वन लेडल दिया है तो सबकी डाइट इतनी होगी नो द बाउल्स नेवर वॉन्टेड वॉशिंग आपको पता है बाउल्स को भी कभी वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी क्यों वाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट बिकॉज द बॉयज़ पॉलिश दैम विद स्पून स्टिल दे शोन अगेन शोन इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ शाइन कि बॉयज़ उनको लिख कर करके चार्ट कर, कर, कर चाट देते थे सारा इस तरह से उसको पॉलिश कर देते थे कि वो दोबारा से चमकने लग जाते थे इतने भूखे होते थे बच्चे ऐसा नहीं है कि वो शौक से लिख करते थे उनको इतनी भूख होती थी उनको इतना कम फूड प्रोवाइड होता था कि वो उनको बिल्कुल लिख करके पॉलिश कर देते थे अपने बाउल्स को आई वॉन्टिड सम मोर ग्रिल आई एम स्टिल सो हंग्री मी टू अब एक बॉय जो है वो ऑलिवर uh, से डिस्कस कर रहा है कि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी अभी भी मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ ओलिवर ने कहा यस मी टू कि मैं भी अब देखो आपको इनकी सिचुएशन से आपको थोड़ा पिटी नहीं फील हो रहा है इनके ऊपर देर कंडीशन इज़ सो मिजरेबल कि मतलब देखो उनको अच्छी तरह से एक दलिया मिल रहा है उनको जो कि उनका फेवरेट नहीं है लेकिन उसके बाद भी उनको खाना पड़ रहा है और सबसे पुअर कंडीशन क्या है कि अगर वो मांगते हैं तो वो भी नहीं मिलता है उनको और ठीक है ना तो वो डिस्कस कर रहे हैं कि हमें तो बहुत भूख लगती है और ये हमारे लिए सफिशेंट नहीं है आपको तो गॉड का थैंक्स करना चाहिए कि आपको इतने अच्छे पेरेंट्स मिले हैं इतनी अच्छी लाइफ मिली है आपकी हर ज़रूरतों को पूरा किया जाता है ऑलीवर ट्विस्ट एंड हिज कम्पेनियन सफ़र्ड द टॉर्चर ऑफ स्लो स्टारवेशन फॉर थ्री मंथस इस तरह से थ्री मंथ्स हो जाते हैं और ऑलीवर ट्विस्ट उस, उसके फ्रेंड्स कंपेनियंस क्या होता है फ्रेंड्स वो मतलब टॉर्चर सह सह के बिल्कुल तंग आ गए थे उनका कि अब भूख के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता ठीक है थोड़ा ज़्यादा काम कर लेते हैं ठीक है थोड़ा हम ज़्यादा कम मतलब थोड़ा कम सो लेंगे ज़्यादा काम कर लेंगे लेकिन जब भूख लगती है तो इंसान को कुछ नहीं मतलब सूझता ही इज़ नॉट एबल टू थिंक तो अब ऐसा ही कुछ ऐसे ओलिवर और उसके कंपेनियंस के साथ होता है At last they got so voracious and wild with the hunger that one boy who was not used to the workhouse hinted darkly to his companions I am afraid I might eat the boy who sleep next to me if I don't get another bowl तो ओलीवर जो है वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है बहुत ज़्यादा सॉरी ओलीवर का फ्रेंड जो होता है एक वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है वो रशियस हो जाता है कि मतलब वाइल्ड बन जाता है वो बिल्कुल ही उसको भूख लगी होती है तो वो इतना ज़्यादा भूख से वाइल्ड हो जाता है कि वो एक बॉय को पता है क्या कहता है वो कहता है वो वर्क हाउस का मतलब नहीं उसको हैबिट होती वहाँ पे रहने की इतनी ज़्यादा तो वहाँ उसके रूल से भी इतना टू नहीं होता तो वो अपने कंपेनियन को अपने दूसरे फ्रेंड को कहता है कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है तो ये बिल्कुल भी स्ट्रेंज नहीं है कि जो बॉय मेरे नेक्स्ट सोता है नेक्स्ट बेड पे सोता है जो बॉय मेरे जैसे यहाँ पे वो सो रहा है नेक्स्ट उसका कंपेनियन सो रहा है कि मैं उसको भी खा जाऊँगा अगर मुझे एक और बाउल ग्रुवेल का नहीं मिला तो मैं अपने फ्रेंड को ही खा जाऊँगा अब उसने तो वैसे ही बोला था मजाक में कि मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी है कि मैं तो अपने कंपेनियन को ही खा जाऊँगा द बॉयज़ बिलीवड हिम नाउ द बॉयज़ ट्रस्टेड हिम कि हाँ ये तो ऐसे ही करने वाला है सब लोग डर जाते हैं

कि जिसकी भी स्लिप जो है निकलेगी वो बच्चा मास्टर के पास जाएगा कौन से मास्टर के पास जो कुक होता है जिसने अप्रेन पहना हुआ था ठीक है और वो और ग्रुएल के लिए डिमांड करेगा कि मुझे और खाना है तो अभी इस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा अब डेली हमें फूड की कम क्वांटिटी मिलती है और हमारी एपिटाइट तो ज़्यादा है तो हमें उसके अकॉर्डिंग अब कुछ ना कुछ तो डिसीज़न लेना ही पड़ेगा ये तो रोज़ का काम हो गया बच्चे वाइल्ड होते जा रहे हैं तो जो भी इसमें स्लिप में से जिसका नाम निकलेगा वो बच्चा मास्टर के पास जाएगा और और फूड के लिए डिमांड करेगा ओके एंड इट फेल टू ओलिवर ट्विस्ट अब किसका नाम निकल आता है स्लिप में हुज नेम इज कम कमिंग आउट ऑफ द स्लिप ऑलिवर ट्विस्ट

तो ऑलीवर रोज रोज़ क्या होता है राइस की सिकन फॉर्म होती है ऑलीवर खड़ा होता है फ्रॉम द टेबल एंड एडवांस टू द मास्टर एडवांस टू द मास्टर ही वॉज गोइंग टू द मास्टर बेसिन एंड स्पून इन हैंड उसके हाथ में एक स्पून होती है ठीक है नाउ अलीवर इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ कुक प्लीज सर आई वॉन्ट सम मोर वॉट सी लेडर कितनी बड़ी है ये है ना तो वो उसकी तरफ क्या करता है ब्लेडल को हिट करने के लिए उसको शो करता है द मास्टर एंड दसिस्टेंट टू एस्टोनिश्ड साइलेंस एट ऑलिवर्स रिक्वेस्ट जो मास्टर होते हैं और उसके असिस्टेंट होते हैं असिस्टेंट कौन होती हैं विमेन जो साइड में है ठीक है तो वो बिल्कुल सरप्राइज हो जाती हैं ऑलीवर की रिक्वेस्ट पे बिल्कुल चुप खड़ी होती हैं वो द मास्टर एम्ड ब्लो एट ओलि हेड विद दैडल ब्लो यानी वो ऐसे कड़छी दिखाता है उसके ऊपर जैसे कि वो उसकी पिटाई करने वाला है ठीक है ना कि उसको गुस्सा आ जाता है कि इसने कैसे उसको बोला कि उसको और दलिया चाहिए तो मास्टर उसको लेडल शो करता है एंड पिनियन ही मिन हिज आर्म पिनियन क्या होता है होल्ड सम वन डाउन उड फॉर द विडल हु दैन रिपोर्टेड इट टू दोर्ड फटाफट से वो क्या करते हैं कि जो बोर्ड मेम्बर्स होते हैं उनको फटाफट से इस चीज़ के लिए अलाउड फॉर द विडल की जो भी इंसिडेंट हुआ था उसके लिए वो लोग बोर्ड को इन्फॉर्म करते हैं कि ऐसे ऐसे एक बच्चे ने और फूड की डिमांड की है तो बोर्ड मेम्बर्स तो होते ही रूवल हैं बड़े क्योंकि उन्होंने अपने पैसे बचाने के लिए तो डिसीजन लिया था ऑलिवर ट्विस्ट इज आस्क फॉर मोर तो मीटिंग का क्या होता है टॉपिक कि ओलिवर ट्विस्ट ने और दलिया मांगा है ही हैज़ आस्ड फॉर मोर ओलिवर हैज़ ऑर्डर्ड इन टू द इंस्टेंट कन्फाइनमेंट कन्फाइनमेंट क्या होता है प्रिजन जेल फटाफट से उसको क्विक डिसीज़न लिया जाता है कि ओलिवर ने और ज़्यादा फूड की डिमांड की है तो उसको कहाँ भेजा जाए जेल में प्रिजन में कन्फाइनमेंट

कि बोर्ड मेंबर्स ने क्या नोटिस निकाला कि फाइव पाउंड्स उसको हम ऑफर करेंगे जो कि ओलिवर ट्विस्ट को यहाँ से ले जाएगा ठीक है कि एक तो वो लोग अच्छे से फूड भी नहीं प्रोवाइड कर रहे थे ऊपर से उन्होंने नोटिस निकाल दिया सिर्फ कि ओलिवर ट्विस्ट को जो भी यहाँ से लेके जाएगा उसको फाइव पाउंड्स मिलेंगे ठीक है क्यों सिर्फ क्योंकि उसने एक दलिए के लिए डिमांड किया था उनको ये था ये शायद ओलिवर ट्विस्ट की वजह से हमारे जो बाकी बच्चे हैं वो भी आ, प्रोटेस्ट करेंगे वो भी अगेंस्ट हो जाएंगे तो इससे अच्छा है कि उस बच्चे को ही हम भेज देते हैं एंड दिस इज रिटर्न बाय चार्ल्स डिकेंस ठीक है तो ये ओलिवर ट्विस्ट जो है ये किसने लिखा है चार्ल्स डिकेंस ने ओके स्टूडेंट दिस वॉज योर चैप्टर ठीक है तो वट इज़ द मॉरल ऑफ दिस चैप्टर कि हमें अपने राइट्स के लिए कहीं ना कहीं स्टैंड लेना चाहिए अगर हमें लग रहा है कि कहीं गलत हो रहा है तो हमें ब्रेवली बोल्डली बोल्डली उस चीज को हैंडल करना चाहिए नेवर स्टेप बैक ओके गो फॉर द राइट ओके स्टूडेंट्स हेयर आर योर वर्ड मीनिंग्स यू हैव टू राइट दिस वर्ड मीनिंग्स इन योर नोटबुक सेज वाइज टेवरन अ पब्लिक हाउस Paringer, small a small small bowl with a handle, voracious, extreme eagerness. Pinion, holds someone down. And you have to write a name also. I am sending you the pick of question answers. We are not going to do reference to the context, we will do only question answers because instead of reference to the context, we will do word meaning tomorrow. Okay, students, this is your today's work. You have to write question answers and word meaning in your fair notebook. Tomorrow, we will do make sentences because make sentences are very necessary to improve your vocabulary skills. Okay, students, have a nice day. Bye bye.